गुजरात टाइटंस दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल का आज सातवां मुकाबला खेला गया। अरुण जेटली स्टेडियम यानी कि फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली में ये सातवां मुकाबला खेला गया। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण, मोहम्मद शमी का कहर और अक्षर पटेल का शानदार बल्लेबाजी। आइए इस वीडियो कैसे दिल्ली ने निराशाजनक बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को छोटा सा टारगेट दिया और उसके जवाब में गुजरात ने पहले ही ओवर में आए विद्यमान शाह बैटिंग करने के लिए जो कि दो चौके और एक छक्के जड़े पहले ही ओवर में 14 रन जड़ दिए। वहीं दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने लगातार दो चौके लगाकर ओवर को दो ओवर में 25 रन बना दिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। आप भी हार्दिक पांड्या, राशिद खान, मोहम्मद शमी का फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको लोग को पता है दोस्तों कि गुजरात ने टॉस जीतकर पहले दिल्ली को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करने आए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने 32 गेंदों में 37 रन मारे जिसमें कि 7 चौके शामिल थे, जिसमें 115 का स्ट्राइक रेट था। उसको बॉल अल्जारी जोसेफ ने किया जो कि शानदार बॉल पे डेविड वार्नर बोल्ड हो गए। वही बात करें दोस्तों पृथ्वी शो 5 गेंदों में 7 रन जड़े और एक चौका लगाया। 140 का स्ट्राइक रेट से 7 रन बना सके वो कैच अल्जारी जोसेफ ने लिया, बॉल्ड मोहम्मद शमी ने किया। वहीं लगातार मोहम्मद शमी ने दूसरे विकेट लेने का काम किया और मिचेल मार्श को 4 गेंदों में 4 रन बनाकर बोल्ड कर दिया। मोहम्मद शमी का ये दूसरा विकेट था। सरफराज खान 34 गेंदों में 30 रन बनाए जो कि 2 चौका उसमें शामिल रहा। आज भी सरफराज खान कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नजर आए और अनकंफर्टेबल नजर आते हुए सरफराज खान को लग रहा है कि आईपीएल में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। 34 गेंदों में 30 रन बनाए जो कि 100 का स्ट्राइक रेट से भी कम था। बिना खाता खोले अल्जारी जोसेफ का शिकार बने। वहीं बात करें पोरेल का तो पोरेल 11 गेंदों में 20 रन बनाए, बढ़िया टच में नजर आ रहा था, लग रहा था ऐसा कि पोरेल कुछ करेगा। वहीं 2 चक्का लगा करके पोरेल 11 गेंदों में 20 रन बना के 181 का स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, उसको बॉल्ड राशिद खान ने किया और वो भी जल्दी चलते बने। वहीं बात करें अक्षर पटेल का तो अक्षर पटेल को दोस्तों कहीं ना कहीं ऊपर आना चाहिए, इस पे टीम को विमर्श विचार करना चाहिए कि अक्षर पटेल हमेशा ऊपर आना चाहिए क्योंकि 22 गेंदों में 36 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 163 का स्ट्राइक रेट से ये 36 रन बनाए और इसको मोहम्मद शमी ने कैच आउट डेविड मिलर के हाथों करवाया जो कि मोहम्मद शमी का तीसरा शिकार था और बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और वही बात करें दोस्तों अवेश खान को तो अवेश खान 8 बॉल में 8 रन बनाए जिसमें कि 1 छक्का भी शामिल था, ये भी राशिद खान का शिकार बने। वहीं कुलदीप यादव 1 गेंदों में 1 रन और अनिक नोकिया ने 2 गेंदों में 4 रन बनाए जिसमें कि 1 चौका शामिल था। दिल्ली कैपिटल्स ने टोटल रन बनाए 162 रन 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के समाप्ति। गुजरात के ओर से बॉलिंग करते हुए मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 41 रन दिए, 3 विकेट लिए। वहीं जॉन लिटल ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 1 भी विकेट नहीं मिला। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर किए 18 रन दिए, 1 भी विकेट नहीं मिला। अल्जारी जोसेफ ने 4 ओवर किए 29 रन दिए, 2 विकेट मिला। यश दयाल ने 1 ओवर किए 12 रन और कोई विकेट नहीं मिला। राशिद खान 4 ओवर 31 रन 3 विकेट मिला। वहीं गुजरात टाइटंस के ओर से बल्लेबाजी करने आए विद्यमान शाह और शुभमन गिल और विद्यमान शाह की जोड़ी ने आते ही आते सी बल्लेबाजी शुरू की। पहले ही ओवर में विद्यमान शाह ने लगातार 2 चौके और 1 छक्के जड़ के 14 रन ठोक डाले। वहीं बात करें दोस्तों विद्यमान शाह का तो उसके अनिक नोकिया ने विद्यमान शाह को डायरेक्ट बोल्ड मारा जो कि 14 रन ही बना सके, जो कि पहले ओवर में विद्यमान शाह 14 रन बनाए थे। 14 रन बना करके विद्यमान शाह चलते बने और अनिक नोकिया ने उसको बोल्ड कर दिया। 200 के स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों में 14 रन बनाए, वो अनिक नोकिया का शिकार बने। वहीं बात करें शुभमन गिल का, शुभमन गिल 13 गेंदों में 14 रन बनाए जिसमें 3 चौके शामिल थे और वो भी चलते बने, वो भी अनिक नोकिया का शिकार बने जो कि ये लगातार गुजरात की तरफ से खराब परफॉर्मेंस था। दोनों बल्लेबाज को आउट हो जाने के बाद साई सुदर्शन आए जिसने 9 गेंदों में 13 रन ठोक डाले जिसमें 1 चौके और 1 छक्के, वो अभी भी स्टैक पे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं बात करें दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या का, तो कप्तान हार्दिक पांड्या 1 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। गुजरात ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया और उसके तरफ से साई सुदर्शन ने 48 गेंदों में 62 रन, डेविड मिलर ने 16 गेंदों में 31, विजय शंकर 23 गेंदों में 29 रन बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट अनिक नोकिया 39 रन देकर 2 विकेट लिए, मिचेल मार्श 24 रन देकर 1 विकेट, खलील अहमद 38 रन देकर 1 विकेट चुका है। दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।